नमस्कार, मैं एक और आप देखे हंगामा टाइम्स न्यूज। हरियाणा से लेकर दिल्ली, दिल्ली से लेकर नोएडा तक किसानों का ये आंदोलन आग की तरह फैल रहा है। अब जिद खाप ने कर ली है ये जिद कि अगर हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो दिल्ली नहीं जाएगी दूध, सब्जी और फल। आइए नजर डालते हैं किसान आंदोलन की इस बड़ी खबर पर। दिल्ली से सटी सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। थोड़ी देर में करेंगे किसान प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली से लेकर हरियाणा और पंजाब तक किसानों का आंदोलन फैलता जा रहा है। एक ओर किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ बुधवार को चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया है। किसानों ने अभी सरकार की किसी शर्त को मानने से इनकार नहीं किया है और गुरुवार को होने वाली बैठक पर निगाहें। आपको बता दें, हरियाणा के जिंद में खाप पंचायतों ने दिल्ली कूच शुरू कर दिया है। पंचायतों का कहना है कि अगर 3 दिसंबर को सरकार से बात नहीं बनती है तो फिर वो दिल्ली जाने वाले फल, दूध, सब्जी की सप्लाई बंद कर देंगे। यहाँ किसान नेता घर घर जाकर लोगों से दिल्ली चलने की अपील कर रहे हैं। आपको बता दें, कृषि कानून के खिलाफ जारी किसान आंदोलन को काफी समर्थन मिल रहा है। पंजाब से शुरू हुआ आंदोलन हरियाणा, यूपी समेत अन्य राज्यों में फैल चुका है। हरियाणा की कई खाप पंचायत अपना समर्थन किसानों को जता चुकी हैं। पंजाब में तो ये हाल ही कि एक पूरा गांव इस वक्त सड़क पर आंदोलन करने के लिए उतर गया है। पंजाब के मोहाली रायपुर खुर्द गांव की आबादी करीब 8,000 है, लेकिन इन दिनों पूरे गांव में सन्नाटा पसरा है। घरों में ताले लगे हैं क्योंकि यहां के ज्यादातर किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। आपको बता दें कि पंजाब से किसान बड़ी संख्या में दिल्ली और हरियाणा की ओर कूच कर रहे हैं। करीब 30 से अधिक संगठन सिर्फ पंजाब से ही आंदोलन में शामिल हैं। इसके अलावा पंजाब की फिल्म इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री किसानों के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद कर रही है। सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक पंजाब के किसानों का हल्ला बोल जारी है, जिन्हें अब यूपी, दिल्ली और हरियाणा के लोगों का भी समर्थन मिल रहा है। हंगामा टाइम्स ब्यूरो।